पहन लीजिए पहन लीजिए सर जी, यहाँ पे सर, कल आप ये नाम सर, सर यहाँ पे था, सर यहाँ पे आ जाओ ना सर, यहाँ पे आ जाओ। सर गुड मॉर्निंग बोले या आफ्टरनून बोले? गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून? पीछे गुड मॉर्निंग सर, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ सब लोग। कृष्णा सर गुड मॉर्निंग, ये कैमरा, अरे कल कल की छाप देना थोड़ी। यहाँ पे, यहाँ पे चलेगा। ये क्या मिल गया सर? यहाँ पे कृष्ण सर, यहाँ पे सर, एक बार और यहाँ पे कृष्ण सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे सर मुजरी होगा भाई, हम लोग भी खड़े हैं यहाँ पे सर, यहाँ पर सर, यहाँ पर रजनी सर सामने थैंक यू, वेट सब लोग क्या नहीं फ्रेश फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, थैंक यू। सेंटर हां आप आने वाले थे ना, राजिकता बोल रही हूं। थैंक यू, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, मैम यहां पे, मैम यहां पे, मैम दिस कैमरा, ऊपर रखेगा तो मैम होल्ड कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आना विजुअल्स ऐसे ही आते लो ही आते हैं। थैंक यू सर, भेटले दोगांची सर, बोलती बंद हो गई मेरी, खाना देख के वाह वाह वाह, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए, बहुत मजेदार थ्रिलर और उसके बाद जो डबल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट मिला है, वाह वाह व्हाट अ डांस नंबर। कृष्णा सर आपको डांस करते हुए देख कंट्रोल नहीं होता, पता है डांस करने की क्या कंट्रोल नहीं है। अब बुलाते हैं हमारे कैप्टन ऑफ द शिप को सबसे पहले, जो करता धरता है, प्लीज कम अपॉन स्टेज सर, विनोद तिवारी सर जी प्लीज आ जाइए स्टेज पर, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द कैप्टन ऑफ द शिप, आ जाइए सर, तालियां बजती रहनी चाहिए सर के लिए। First of all, congratulations for such a wonderful trailer. It really, really looks funny, sir. क्या बात है? अब आगे बढ़ते हैं सर। आपने जिनसे ये सब करवाया है, उनकी भी बारी। तो सबसे पहले जो रचते हैं कॉमेडी की रासलीला, बुलाते हैं उन कृष्णा जी को। कृष्णा सर आ जाइए। A big round of applause for कृष्णा अभिषेक। अब next. जिन्होंने अच्छी फिल्मों का आंचल अब तक नहीं छोड़ा, रजनीश दुग्गल जी आ जाइए सर। तिवारी जी ने बहुत ही फनी फिल्म बनाई है, खुद ही फनी गेटअप लेके घूमते रहते हैं, लाल रंग की टोपी, ऑरेंज शर्ट, और ये कौन सा कलर है मालूम नहीं, या तो ये कलर है या कीचड़ में कुछ जूता, सीधा सीधा ये बोलिए कि वहां जाके बैठ जाइए। और रजनीश के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, रजनीश बहुत ही बढ़िया काम किया है सभी लोगों ने फिल्म में, और रजनीश की मैं देखता रहता हूँ, हर साल फिल्म आती है, लीला आई, फिर वजह तुम्ही हो तुम हो, बहुत बढ़िया, मतलब रजनीश दुग्गल, दुनिया में दो ही चीज़ें चल रही है, गूगल और एक दुग्गल, बहुत बढ़िया। मैं सबको बुलाना चाहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स मुकुल देव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, मुकुल जी प्लीज। हाँ नहीं नहीं
मुकुल जी की लॉन्चिंग हुई थी दस्तक में, भट्ट साहब ने लॉन्च किया था। और मैं अपने शो पे हमेशा कहता रहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग झट से आते हैं वो भट्ट से ही ऊपर जाते हैं। जो भट्ट से आते हैं वो एक ही बात है। और नाजिया, नाजिया के लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत लोग जानते नहीं हैं नाजिया जो है वो फिल्मी, मतलब इनके ब्लड के अंदर ही हैं। दत्त साहब की फैमिली, नरगिस जी, संजू बाबा, तो इनके ब्लड में ही जो है वो एक्टिंग है। वो अलग बात है आयरन की कमी भी है, लेकिन एक्टिंग भी बहुत तेज़ी से दौड़ती है इनके ब्लड के अंदर। क्लॉडिया, क्लॉडिया के लिए ज़ोरदार तालियां प्लीज। और यहाँ पे नैन्सी भी, नैन्सी प्लीज, नैन्सी के लिए भी ज़ोरदार ताली हो जाए। बाकी एक्टर्स आई थिंक दीपशिखा और सब लोग बिजी हैं, लेकिन जो मेन लोग जो हैं उन दोनों को मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। नहीं, उनसे पहले एक और, अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ सर, इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। इसमें भी आप कॉपी बने हैं, इसमें बहुत अलग किया है इन्होंने फिल्म में, इसमें भी कॉपी हैं आप। जो दो मेन लोग जिनको, जिनकी वजह से ये फिल्म बनी है, हमारे दो प्रोड्यूसर्स, और उन पोस्टर में भी हैं वो यहाँ पर पिंक में। अच्छा भाई, हरीश भाई और राज भाई, दोनों के इनके लिए तो सबसे ज़ोरदार बजाइए। अगर ये दोनों नहीं होते तो फिर कुछ भी नहीं होता। इधर राज जी आइए प्लीज़, हरीश जी, राज जी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे रोहित गिड्डा। रोहित वो आए हैं उठ के, ये डीजे हैं, इनका नाम गिद्दा करेक्ट रखा है, डीजे रात भर जागते हैं। ये सॉरी मैं आपका नहीं, नहीं नहीं सर, आप इतना कमाल कर रहे थे, मैं बैठ गया, मैंने बोला यार नहीं इन्हें करने दो, करने दे। So, पूरी स्टार कास्ट और पूरी टीम और डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। सर शुरू करते हैं आपसे, सबसे पहले ये आइडिया कैसे आया सर, कहां से आया ये आइडिया, और ये नाम कैसे, मतलब तेरी भाभी है पगले, जैसे शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना इजीली निकल जाता है, हमने इतना लाइफ में बोला भी है ये नाम तेरी भाभी है पगले, ये कहां से आया और आइडिया कैसे आया? अगर आपकी इजाजत हो तो बोले, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं जो बोलने वाले होते हैं वो भी वापस चले जाते हैं। जी हाँ सर, ये आइडिया कैसे आया सर? आइडिया दिमाग में आया और आया ऐसे कि हम सभी लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं और ये कहानी सिर्फ फिल्म लाइन के ऊपर है। और जहाँ तक ये जिंदगी, ये फिल्म लाइन की कहानी है, जो फिल्म लाइन में होता है, कैसे संघर्ष होता है, ये उसी के ऊपर कहानी है। एक स्टार कृष्णा अभिषेक हैं जो राज चोपड़ा प्ले कर रहे हैं, और रजनीश जी इसमें डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, और नाजिया जी उसमें जो प्ले कर रही हैं वो हीरोइन का रोल कर रही हैं, जो आपने देखा होगा ट्रेलर में, और मुकुल जी अंडरवर्ल्ड डॉन है, जो पनिशर है। आप इसी से केमिस्ट्री लगा सकते हैं कि कैसी कहानी होगी। ये मोहल्ले के 500 मीटर दूरी पर रहते हैं, मेरे गांव में 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये वाकई सच है कि एक्चुअली में 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं, और ये मुझे साइन करने आए थे तिवारी जी और राज भाई मेरी बिल्डिंग में, और मेरी बिल्डिंग से जैसे नीचे उतरे उन्हें रजनीश मिल गए, क्योंकि मैं 14-10 माले पे रहता हूँ, रजनीश 12 माले पे रहते हैं, तो फिर नीचे मिल गए, तो लिफ्ट में जैसे ही आए उसने बोला प्रोड्यूसर तो पकड़ा, उसको भी साइन कर लो, तो उसको रजनीश को भी साइन कर दिया। फिर जैसे नीचे उतरे लॉबी लेवल पे जिम से बाहर क्लॉडिया मिल गई इनको, हम सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, तो ऐसे बिल्डिंग में जो जो मिलता है, ये भी वहाँ पर रहता है ऊपर, ये 35 माले पर रहता है, तो ये भी मिल गया, तो जो जो मिलता गया उसको साइन करते गए ऐसे बिल्डिंग से कि अभी हमें फिल्म शुरू करनी है, और इन्होंने फ्लोर पे डाल दी फिल्म। सही बात, सच है। तो बताओ कि नाम जो है कृष्णा जी ने दिया है, ये तेरी भाभी है पगले। हाँ ये तो बात है, ये नहीं, ये इस बात का क्रेडिट जाएगा, पहले इस फिल्म का नाम कुछ और था, लेकिन कृष्णा जी ने कहा कि ये नाम कैसा रहेगा, और हमारे सब्जेक्ट पे जा रहा था, तो हमने कहा ये करेक्ट है, उसी दिन से हमने तेरी भाभी है पगले हमने रखा।
कृष्णा सर ये माजरा क्या है, हर कोई बोल रहा है फिल्म में तेरी भाभी है पगले तेरी भाभी है, असल में किसकी भाभी है? ये माजरा नहीं बाजरा है, ये आटा बाजरा सब यही है, तो सब इन्हीं के पीछे लगे हैं फिल्म में। तो ये फिल्म जो है प्लान होती है फिल्म के अंदर ही, और रजनीश की गर्लफ्रेंड होती हैं और फिर हम इनको साइन कर लेते हैं फिल्म के लिए, जबकि ये चाहते नहीं। तो हर आदमी जो है वो यही कहने में लगा हुआ है तेरी भाभी है पगले तेरी भाभी है पगले, तो मुझे बचपन से बोला जाता था, मेरे साथ हुआ है कई बार, ये बात आप पहले भी कह रहे थे, तो सच में हुआ है। मैंने बोला यही टाइटल रख लो, बल्कि मेरा तो ख्याल है कश्मीरा बैठी अभी भी लोग कश्मीरा को देख के कहते तेरी भाभी है पगले, इसलिए मैंने दो बच्चे पैदा किए अभी कभी पढ़ते वो हम। मैंने कम से कम ये डायलॉग बंद हो मेरे साथ। इट्स अ शॉर्ट छोटी स्वीट और फन लविंग फैमिली एंटरटेनर है ये, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने सभी लोग मेहनत करते हैं फिल्म में, कोई अपनी तरफ से ख़राब फिल्म तो बनाता नहीं है, लेकिन हमने वही कोशिश की एक छोटी बढ़िया एक फैमिली एंटरटेनर हम लोगों को दें। वैसे छोटी कहना अच्छा नहीं होता आज की डेट में, तो जब रिलीज़ होती है तो ही पता चलता है कि कौन सी छोटी फिल्म है कौन सी बड़ी फिल्म है, लेकिन एक हमने एक स्वीट फिल्म बनाई है। नाजिया क्या कहना चाहेंगे, हाउ वाज एक्सपीरियंस, यही आप पूछना चाहते हैं? यस, सो आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि तीन तीन लड़के दौड़ रहे हैं आपके पीछे, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कैसा लग रहा था वहां पे? इनिशियली एक दो दिन जो थे तो मुझे तो बहुत मजे आ रहे थे, तीनों लगे हुए आप ये कर लो ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद टाइम पे क्योंकि आई हैड टू शूट विद हिम आई हैड टू शूट विद हिम आई हैड टू शूट विद हिम एंड दे यूज्ड टू गो एंड हैव देयर हॉलीडेज, ये अपना रिलैक्स कर लेते, तब भारी पड़ा। तो फर्स्ट 3-4 डेज आई एंजॉयड इट, बट देन लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द वर्क इट डिडंट गेट अ लिटिल दिस, बट इन ऑल ऑफ देम क्योंकि इन लोग सबकी जो टाइम कॉमेडी टाइमिंग है इतनी अमेजिंग है कि इन लोग ने अपने इतने चुटकुले डाल दिए बीच में कि मेरे सर के ऊपर से सब चला गया और शॉट खत्म हो जा रहा था, मैं एंड में बैठ के सोच रही थी कि हुआ क्या है। तो इन दैट वे ऑल्सो देयर वाज लॉट टू लर्न बिकॉज यू नो देयर ऑल वेरी सीजन्ड, देयर फैंटास्टिक, इट्स माय डार्लिंग, अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट पेड ऑपोजिट हिम, लाइक व्हाट द हेल यार, बट या इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड टीम जो है हमारी सारी द एक्टर्स स्पेशली हैव बीन वेरी सपोर्टिंग to me because I'm the youngest over here and I'm the fresher over here and all that, so sab have been really like you know instrumental in bringing out Ragini in this film, so it was a great adventure and I can't believe log yahan tak pahunch gaye hain, log yahan tak pahunch gaye kaise kuwa mein to chutti mein the hum log, it's like that, so yeah, so I'm very excited, very happy. Wow sir, but genuinely we have got lovely producers jo hain, mazak ki baat alag hai, Harish bhai and Raj ji, ये आप मैं मीडिया को बताना चाहूँगा, ये पहले प्रोड्यूसर हैं सच्चाई है जिन्होंने पूरे यूनिट के पैसे जो हैं वो शूटिंग से पहले सबको फुल पेमेंट कर दी है, इनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने कहा कि शूटिंग पे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं, मेरे भी एक दो प्रोड्यूसर आए हैं आप भी सुन लीजिए, उन्होंने पूरी पेमेंट कर दी, बोला कि किसी को पैसे की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ना मुझसे पैसा कोई मांगेगा, हमको अच्छा काम चाहिए, हम चाहते हैं कि हम बढ़िया फिल्म बनाए, और ये सच्चाई है। मतलब ऐसे प्रोड्यूसर है, मतलब हम दूध मांगते थे लस्सी आ जाए, आप कोरमा मांगो तो शाही कोरमा आ जाए, मतलब कुल मिला के मन की चीज नहीं खिलाई इन्होंने हमको। नहीं बाकी मैं इनको, इनका कपड़े का बिजनेस है, इनकी इन्हीं की जीन्स पहन कर आया हूं ऑस्ट्रेलिया, और उनका भी शर्ट का बिजनेस है, बहुत बढ़िया, इन्होंने अपने सारे पैसे हमें दे दिए। हाँ, और मुकुल जी एक और मुकुल जी के बारे में कहूँगा, अभी मुकुल जी क्या कहना है, इन्होंने इतना बढ़िया सब फिल्मों में काम किया है, बट इट वॉज अ लर्निंग प्रोसेस, मतलब आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं तो यू लर्न समथिंग, वाकई में इनसे मतलब मैं हम सीखते थे कि यार कितना सटल होके मुकुल जी परफॉर्म करते हैं, इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद मुकुल जी। मुकुल जी हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम सही बोल रहे हैं कि इसमें भी तो पंच आने वाला है। इट वॉज फैंटास्टिक, और आपने देखा जैसे जब कृष्णा बोलते हैं तो यहाँ जबड़े में दर्द होने लगता है, हंसता रहता आदमी, और शूटिंग के दौरान भी ऐसा ही था, मैं हम पैकअप के बाद जाते थे कहीं बीच बीच में, वहाँ पर म्यूजिक लगाते थे, दिस गाइज टू कीप अस एंटरटेन ऑल द वाइल, क्योंकि एंटरटेनमेंट इसके रग में ही अंदर ही है, यू कांट सिट स्टिल,
और जहाँ तक फिल्म का सवाल है, जैसा कि अभी नाजिया भी कह रही थी कि इतनी अच्छी इम्प्रोवाइजेशन हुई है एक्टर्स के बीच में, और भी बड़े एक्टर्स हैं जो यहाँ पर आए नहीं हैं, सुनील पाल जी और काफ़ी और बेहतरीन कॉमेडियंस, तो इन सबके साथ एक पूरा झुंड था जहाँ पर सब कोई इम्प्रोवाइज करता था और हर कोई एक से आगे एक से ऊपर था, तो इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग और बड़ा अच्छा लगा। और मेरा रोल खास करके इसमें, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा थोड़ा सा अंडर प्लेड है, थोड़ा उसको अपना सीरियसनेस बना के रखना है, तो एक बहुत ही अच्छा शेड निकल गया है। आई एम श्योर यू गाइस विल एंजॉय, बहुत लवेबल कैरेक्टर है इसमें। इतना कॉमेडी टाइमिंग वालों के साथ आप सब, कोई फनीस्ट किस्सा, कोई फनीस्ट स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे फ्रॉम द सेट्स? जी आई थिंक जैसा मुकुल सर ने बोला एंड कृष्णा सेड, नाजिया सेड, दिस एंटायर फिल्म वाज एन एपिसोड एंड पहले दिन से ही वी हैड अ ब्लास्ट। मतलब बहुत कुछ, ऑब्वियसली मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज फॉर मी दिस वाज लाइक अ फर्स्ट कॉमेडी एंड फ्रॉम डूइंग हॉरर्स एंड थ्रिलर्स, सो मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था एंड आई वॉन्टेड टू टेक अप अ कॉमेडी और वॉट बेटर टू टेक इट विद कृष्णा इन इट एंड प्लस वी हैव फैंटास्टिक सॉन्ग इन द फिल्म। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हुए। इनफैक्ट जब हम सॉन्ग्स भी शूट कर रहे थे तो लगभग सॉन्ग से ज़्यादा जो हो रहा था वो फन ही हो रहा था आई थिंक, एंड एक बार आप देखेंगे तो उसके बाद आपको और पता चलेगा। एंड जो ट्रेलर्स में हुआ है, जो सीन्स में हुआ है, वी हैड सर्टन सीन्स विच वर जस्ट, मतलब वी कुडंट स्टॉप लाफिंग ऑन यू एंड इन सम वी कुडंट स्टॉप फाइटिंग ऑल्सो। ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे लड़ते लड़ते भी दिन खत्म हुए हैं, बट वी लाफ्ड एट द एंड ऑफ इट। ऐसा नहीं, यही होगा फाइनल, यही है, तो कभी ऐसा मतलब सीन था कि इनकी छोटी बहन थी, पता ही नहीं चलता, छेड़ने नहीं देते थे, कोई सीन छेड़ा नहीं, मतलब सब तिवारी जी ने अपने हिसाब से पूरा किया है, लेकिन बहुत बढ़िया किया है इन्होंने, बहुत अच्छा किया है। फिर वो बोलते हैं ना, अ फिल्म इज अ डायरेक्टर्स बेबी, तो वो लिटरली ले लिया। अभी तो जो देख रहे हैं वो बाबा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इतना एंसेंबल कास्ट, बिल्कुल रोहित को। और एक और चीज थी कि रोहित थ्रू आउट जैसे अभी खड़े तो ये फिल्म में भी ऐसे खड़े, मतलब मैं जहां पे भी बोल रहा हूं कट। और कमाल की चीज है ये पूरी फिल्म में इन्होंने खास, तिवारी जी बहुत इंस्पायर्ड थे रोहित शेट्टी से, जो उन्होंने तुषार कपूर को रोल दिया था गोलमाल में, उन्होंने कहा कि इनको वही रोल देना है, तो पहले दिन इनके साथ एक हमने सीन शूट किया, फिर उन्होंने बोला उसके बाद इसको तुषार कपूर का रोल देंगे। अच्छा पहले तो मैं बोल देना चाहता हूँ मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को कि थैंक यू सो मच, इतने टैलेंटेड लोगों के साथ मुझे काम करने को मिला है, आई एम सो हैप्पी। और मेरे कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, मैं डीजे हूँ, मैं इतने लोगों को फेस करता हूँ हर रोज, तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं था इतना, बट मैंने बहुत एंजॉय किया है, स्पेशल राज भाई, हरीश भाई, विनोद सर, स्माइल तो बहुत एंजॉय किया मैंने मूवी में, और बहुत बढ़िया बनी, प्लीज़ आप सब देखिए। और लास्ट चीज़ तो कह दो, आज रात को सारा स्टार होटल में सर्कस में बजा रहे हैं आप लोग। सबको भी टुनाइट एट डीजे गिड्डा, गिड्डा पावर होटल, गिड्डा पावर। हाँ अच्छा, मेन अरे गुजराती भाई बोले हमारे प्रोड्यूसर हरीश भाई, अभी मेन आपको पूछना जाएगा कि कैसा हाउ वाज इट। सर बोल नहीं पा रहे राज भाई, अरे बोलिए कैसा लगा आपको, मीडिया इतने है फर्स्ट टाइम सुनना चाहती है। ये अपना हम लोग गारमेंट से रिलेटेड है, हरीश और मैं, हम दोनों पार्टनर हैं, दोस्त हैं, और हमारी दोस्ती को लगभग 12 साल हो चुके हैं। ये हमारी फर्स्ट मूवी थी गारमेंट के बाद, ये और ऐसा लगा ही नहीं कि हमने मूवी बनी, हंसते हंसते मूवी कैसे बन गई हमको पता नहीं। ये बात सच कह रहे हैं, हमारे
इन दोनों के लिए जोरदार तालियां हैं। थैंक यू सो मच सर। क्लॉडिया, हाउ वाज इट डांसिंग विद कृष्णा? इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। नो ऑनेस्टली सब याद करके आए हैं सब। अच्छा हिंदी में बोलो। नहीं नहीं फिर जोक बनाएगा मेरे को। ये तो अच्छा है कि हम लोग पढ़े लिखे हैं तो इनका नाम सही बोल लेते हैं। अगर अनपढ़ नाम इनका नाम बोले तो डबल मीनिंग भी हो सकता है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छा हुआ कि समझ नहीं आया। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हर्ड कंफ्यूज्ड लवर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई फॉल इन लव विद दिस सॉन्ग। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड द प्रॉब्लम, द ओनली प्रॉब्लम विद द सॉन्ग इज द मोमेंट यू हैव हर्ड इट टू और थ्री टाइम्स, इट डजंट कम आउट ऑफ योर हेड। सो यू विल बी एडिक्टेड सूनर और लेटर। इफ यू वांट और यू डोंट वांट, यू विल स्टिल बी एडिक्टेड टू दिस सॉन्ग। तो इसलिए इट वॉज डेफिनेटली अ प्लेजर and I'm very very happy I could be a part of Teri Babi Hai Pagle, and of course I got the opportunity to have the beautiful item song called Confused Lover with Krishna, who is amazing dancers. I don't need to, you know, praise, because he already, everyone knows and everyone is a fan of him. So yeah, I think we had a lot of fun while shooting as well, and she was I think the perfect choice. Jab sab log plan kar rahe the ki kiske sath karna hai, तो क्लॉडिया और हमने पहले भी काम कर चुके हैं हम लोग, हमारे शो में कॉमेडी सर्कस में क्लॉडिया हमारे साथ में थी, एंड शी इज़ अ वंडरफुल डांसर और इतनी प्रिटी भी हैं और बढ़िया काम करती हैं, तो हमने बोला है क्लॉडिया वुड बी द बेस्ट चॉइस एंड शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। बहुत बढ़िया किया है क्लॉडिया ने। थैंक यू। मुझे तो 90% कॉल समीक्षा कॉप्स के लिए आते हैं। सिंगम हैज बिकम अ ब्रांड इन माय लाइफ। आवाज बहुत जबरदस्त है। अरे थैंक यू सर। उसे सुबह का टाइम है सर। तो लाइफ में आई ऑलवेज से लाइक लाइफ में एक शोले होनी चाहिए, तो दैट शोले वाज सिंगम, यू नो, फॉर मी, एंड थैंक्स टू रोहित सर फॉर गिविंग मी दैट ब्रेक माय लाइफ। एंड दैट वो कारवां चल रहा है और 90% कॉल मुझे कॉप्स के आते हैं, इसमें एटलीस्ट एक कॉमेडी करने को थोड़ा सा मिला है इसमें। नॉर्मली सीरियस हमेशा कॉप प्ले करता हूँ, बट एक थोड़ा सा डिफरेंट करने को मिला इसमें, और मतलब ऐसे कलाकारों के साथ काम करने को मिला जिनका टाइमिंग, मतलब करते करते वहाँ डायलॉग बोलते बोलते भूल जाता था, बिकॉज इनके टाइमिंग कुछ पंचेज आ जाते थे सर के, कृष्णा जी हैं सब ये, तो दे वर टुगेदर लाइक इट वाज रियली फन लाइक यू नो शूटिंग विद देम, एंड थैंक यू विनोद जी लाइक यू नो फॉर कास्टिंग मी। थैंक यू सो मच यार। एक्चुअली सबसे पहले मैं विनोद सर जी को बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ, बिकॉज इन्होंने मुझे इस फिल्म में अपना, इस फिल्म में मैं पार्ट बनी हूँ, एंड मैं कृष्णा सर, मुकुल सर, रजनीश सर, नाज, क्लोडिया, सबके साथ मैंने काम किया, एंड इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मेरा जो रोल है इसमें, मैं मुकुल देव सर, उनको मैं लाइक उनको मैं उनको भाव भाव बोलती हूँ, और मेरा जो कैरेक्टर इसमें एकदम रफ एंड टफ है, मैं हूँ लड़की लेकिन उसमें एकदम टॉम बॉयश की तरह मैं हूँ, सो इट्स लाइक इट्स अ गुड कैरेक्टर बिकॉज काफ़ी हटके है, सो आई एम जस्ट एक्साइटेड कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो ऐसा कुछ हटके नहीं है सब नॉर्मल, जैसा आपने शुरू में देखा है ये वैसी फिल्म है, इसमें कुछ अलग नहीं किया हमने। जो लोग कहते हैं हमारी फिल्म बहुत अलग, इसमें कुछ अलग नहीं, एक सिंपल फैमिली एंटरटेनर जैसे आम फिल्में आती हैं, अगर चल गई तो चल गई, देख लेंगे कैसा होता है। Thank you so much, Rachi and Harish. Thank you so much, team. Thank you. Ab over to the esteemed members, media, aapke hai ye, jo sawal poochne hai, pooch lijiye. Over to you. Vinoji, Vikas from News Nation, Samne. Mic. Vinoji. विनोद जी, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कृष्णा जो डायलॉग बोल रहे हैं वो गोविंदा जी का है कहीं ना कहीं डायलॉग, और क्या गोविंदा जी को भी इसमें आपने कास्ट करने का सोचा था पहले? हाँ, मतलब पहले फाइनल हो चुके थे और वो प्ले कर रहे थे यही रोल, लेकिन क्या कि उनके टाइम इतना था उनके पास में, आठ महीने बिजी थे वो,
तो टाइम इतना था कि नहीं था, टाइम नहीं था उनके हिसाब से, टाइम नहीं था तो छह महीने वेट नहीं कर सकते, सारे आर्टिस्टों की डेट्स थी। फिर उसके बाद में, क्योंकि जब लिख रहा था मैं तब कृष्णा ही थे, लेकिन फिर इनका भी कोई शो चल रहा था तब भी सी थे, फिर हमने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने हाँ कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन विनोद छः महीने हम लोग रुकते हैं, फिर फरवरी मार्च में शूटिंग करेंगे। फिर मैंने कहा नहीं, इंतज़ार तो नहीं कर सकते क्योंकि सबकी डेट है, तो इसलिए फिर शूट किया जी। हाँ मैं देखा उनका, अरे बहुत अच्छा उन्होंने किया यार, मतलब प्रेगनेंसी में भी इतना बढ़िया वो डांस करते तो मैंने देखा कुछ इतना उनका था, और उन्होंने वो गाना किया था मैं से मीना सेना है ना, और मुझे याद है कि जब हाँ वो गाना जब वो कर रहे थे गोविंदा जी, तब मैं पैदा हुआ था हॉस्पिटल में, तब आ नहीं पाए थे, कुल्लू मनाली में राकेश रोशन की फिल्म थी मुझे याद है, तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ग्रेसफुल किया डांस में ना, मानते हैं कि ग्रेस 1 2 3 4 तो सब बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन ग्रेसफुल बहुत कम लोग करते हैं, तो वो मुझे उनका ग्रेसफुल बहुत लगा, इसलिए इतना पॉपुलर हो गया है कि आज जो मीडिया भी पूछ रही है तो और क्या चाहिए। माइक माइक तो बट दैट वाज अ ब्लास्ट एंटायरली, जैसे अभी रजनीश कह रहे थे जो हम लोग ने गाना किया, ये दो लड़कियां और मैं अकेली, और हम लोग गोवा में शूट कर रहे थे, बिलीव मी इट वाज द हॉटेस्ट डे, वी आर शॉट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टू दैट नाइट, लेकिन द पूरा होल डे हैज गॉन ऑन सो ब्यूटिफुली बिकॉज बस प्योर फन। आई हैव नेवर डन अ कॉमेडी फिल्म बिफोर, I've done a couple of films before, but never such for me. ये मेरा पहला comedy film है. तो the whole atmosphere also, you know, जो usually इंसान थक जाएगा इतनी धूप में, आप dance करो, retakes this and that. And then the energy is so much because he's got so much energy. He loves dancing. तो खड़े खड़े sometimes कृष्णा भी शुरू हो जाते हैं. तो खड़े खड़े. तो but and it's very infectious, you know. चटके बहुत लगते थे हमको वहाँ पे, नंगे पैर रेत में गाना कर रहे थे. So yeah, but and the energy level was always so high, especially with him, you know. And then we got Rajneesh in the groove also. So, haste khelte. In fact, I was just telling Mukul Rathra ki pata samajh mein nahi aa raha how the film is completed. But yeah, it's been a lot of fun. बहुत अच्छा गाना हम लोगों ने किया है, tequila shot वो गाना है, वो बाद में release होगा. That's also very nice number. Picture में तीन बहुत colorful हैं गाने. गाने बहुत अच्छे शूट भी किए हैं और गाने सुनने में भी अच्छे हैं, स्पेशली हमको बहुत पसंद है मिक्का वाला ये गाना, और टकीला शॉट भी अभी रिलीज होगा, दैट्स आल्सो नाइस सॉन्ग। तो एक एंटरटेनमेंट एंटरटेनर फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे गाने यू नो हों, पेपी नंबर्स हों, तो पेपी नंबर्स हैं फिल्म में जो तिवारी जी ने खुद चूज़ किए थे, एंड दे ऑल आर वेरी नाइस। एट द सेम टाइम आपसे ये जानना चाहूँगी, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत एक्टिंग के लिए बहुत, शायद तीसरी पीढ़ी अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपको नरगिस जी की कुछ याद आती है? अनफॉर्चुनेटली मैं कभी उनसे मिल नहीं पाई, शी वाज शी पास्ड अवे लॉन्ग बिफोर एवर, पर कहानियाँ बहुत हैं ऑफ हर्स और व्हाटएवर, कुछ एक हाथ बताएंगे? ये तो बेटर मेरे फादर ही बता सकते हैं क्योंकि मैं शायद चीज़ें छोड़ा हूँ, बट Initially all together and this and that, I've watched her movies and that is what has always fascinated me for cinema basically, क्योंकि लोग बहुत मुझे कभी पूछते हैं कि एक्टर क्यों बने, तो आई फाइंड माई आंसर इज इमोर्टैलिटी बिकॉज आई हैव नेवर सीन हर और आई नॉट सीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स बट दे लिव थ्रू देयर फिल्म्स, दैट्स समथिंग आई वॉन्ट, सो दैट इज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड और गॉट इंस्पायर्ड बाय नरगिस। रजनीश, जाहिर सी बात है कई जगह शूटिंग हुई है फिल्म की, और फिल्म का जो टाइटल है वो बिल्कुल डिफरेंट है जी, तेरी भाभी है पगले, तो फिल्म के दौरान कितनी बार और किसने सबसे ज्यादा बार जो है ये टाइटल को दोहराया है, किसके लिए दोहराया अगर ये बता पाए तो? सी फिल्म के दौरान तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर में सबसे ज्यादा मैंने ही बोला तेरी भाभी, मतलब सोचा है, सो यू कैन सी वॉइस ओवर जो सबसे ज्यादा आए हैं तेरी भाभी है पगले मेरे थे, मे बी इसलिए क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड प्ले कर रही है फिल्म में, एंड बट देन पूरा खुलासा मैं अभी नहीं कर सकता,
Because obviously there is Krishna, there is Mukul, there is me, there are two more guys and three more I think, Raji, Abhi. So there are a lot of guys in the film who are after this girl and her jina unko bol raha hai ki abe tu hat side mein, teri bhabhi hai parle. So ye kaafi ho ga dialogue chal raha hai, lekin andar andar chal raha hai. Film ke andar, I think, ek do baar bola. Krishna, aapne jab real mein ye dialogue bola hai, aapne अलग अलग जगह शूट में जैसे गोवा है गोवा कहे थे आप थोड़ी देर में कश्मीर जाएगी वन ऑन वन में बता वहीं बैठी हुई है वो थैंक यू अभी क्या वो भी फिल्म डायरेक्ट कर रही हैं तो ऐसा ना हो मेरा उनकी शूटिंग पे जा रहा हूँ मैं ग्रीस अभी तो वो कहीं मेरे सीन ना कट जाए फिल्म में से कृष्णा क्या चल अरे कैसे नजर नहीं आ रहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कृष्णा आपको किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं जब हम यू नो कॉमेडी की बात करते हैं उसके टाइमिंग की बात करते हैं वी लव यू इन बॉलीवुड वचन यू नो व्हिच इज डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी आपको लगता है कि एक अलग एक इंडिविजुअल एक सोलो फिल्म आपको करनी चाहिए रोहित शेट्टी के साथ जो टोटली कॉमेडी बेस हो एंड डिड यू स्पोकन टू हिम ऑन दैट लेवल की सी वी हैव सीन इन बॉलीवुड वचन वी हैव सीन यू इन नंबर्स फिल्म लेकिन आपके अंदर उतना पोटेंशियल है जन एक्टर जो आप पूरी फिल्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं whether it is directed by Rohit Shetty in the lead do you agree with this सर कौन नहीं चाहेगा कि रोहित शेट्टी के साथ अगर आपको एक सोलो फिल्म करने मिले तो लेकिन उन्होंने मुझे he had given me a wonderful role बोल बच्चन में मेरा बहुत मेजर रोल था मतलब अजय सर और अभिषेक के बाद मैं ही था जो पूरी फिल्म में फिल्म को घुमा रहा था उनके साथ में रोहित सर अभी मेरे एक शो में कर रहा था इंडिया बनेगा मंच होस्ट कर रहा था मैं तो उसमें वो अपने खतरों के खिलाड़ी के प्रमोशन पे आए थे तो मैंने उनको बहुत छेड़ा स्टेज के ऊपर के बोल बच्चन टू कब बना रहे हो बोल बच्चन टू कब बना रहे हो सर बोल बच्चन टू बननी चाहिए गोलमाल चार तक आ गई है और बोल बच्चन तो इतनी बड़ी हिट रही है और अब तो मेरे ख्याल से बोल बच्चन टू बनाएंगे तो शायद अमित जी भी हों तो और मज़ा आ जाएगा तो ऐसी थॉट हम लोग बातचीत कर रहे थे और हो सकता है जल्दी आप लोगों के सामने आ जाए साजिद फरादी लिख रहे हैं और बोल बच्चन टू शायद आएगी आप बता रहे हैं कंफर्मेशन दे रहे हैं मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं ना बता रहा हूँ ना क्योंकि ऐसा ना हो फिर फोन आ जाए ना अभी थोड़ी देर में रोहित सर का बट आई लव वर्किंग विद हिम ही इज फैंटास्टिक मतलब यू विल बी इंटरेस्टेड इन बी आई इफ बोलोचन टू कम्स अक्रॉस अरे इंटरेस्टेड मतलब मैं तो सबसे पहले भागूंगा मतलब इन सब साइन कर मैं तो कॉमेडी सर्कस में आई वाज द फर्स्ट पर्सन रोहित सर जब हमारे जज हुआ करते थे तो 8 महीने मैंने जो बोल बच्चन की प्रमोशन की है किसी ने नहीं दुनिया को पता था मैं हूँ बोल बच्चन में अजय देवगन का नहीं पता था शुरू में लोगों को थैंक यू विष्णु थैंक यू इट्स अ लवली थिंग थैंक्स टू दीज प्रोड्यूसर्स जो आजकल फिल्में बड़ी कम बन रही हैं है ना और बहुत कम लोग आते हैं जो एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश में होते हैं इन्होंने बढ़िया एक फिल्म बनाई है एंड थैंक्स टू देम जो सबको एक चांस मिला एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर का मेरा जी फाइनली मेरा एक सवाल आप जब ऐसे बहुत टैलेंटेड एक्टर के साथ काम करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है जिसको सच में संभालना अभिषेक इट्स अ वेरी बिग टास्क हाउ डू यू मैनेज दैट मेरे लिए तो कोई इतना बड़ा टास्क की बात ही नहीं है ये क्योंकि काम 9:30 के टाइम में 8:30 बजे आ जाते थे आधा घंटे पहले एक घंटे पहले पूरी स्टार कास्ट आती थी तो शिकायत कभी रही नहीं मुझे क्योंकि सब्जेक्ट उनको कभी कभी क्या कलाकार जब होता है ना कहानी जब उसको लगती है ना कहानी अच्छी है या मेरे करियर के लिए या मेरी फिल्म अच्छी है तो उसके इन्वॉल्व हो जाता है और फिर ना टाइमिंग का है तो 2-3 घंटे लेट होना कभी कभी एक्टर मैंने खुद की मेरी है जब लगता है कि यार ऐसे ये फिल्म कर लो इसमें कुछ दम नहीं है तो ना इंटरेस्ट लेता है ना प्रमोशन होता है फिल्म अच्छी होती है सब लोग टाइम देते हैं लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से संभाली ये फिल्म जो है सबने डेटों का पंगा किया मेरा तो ड्रामा कंपनी चल रहा था तो सोचिए मैं यहाँ से गोवा आता था मुकुल जी ने भी काफ़ी कई बार टॉर्चर किया डेट्स के लिए क्योंकि ये पंजाबी फिल्में भी कर रहे हैं बहुत फिल्मों में बिजी हैं रजनीश का भी थोड़ा था इनका इनका नाजिया का भी थोड़ा था सेट पे टॉर्चर था डेट का टॉर्चर नहीं ये अभी सच्चाई है लेकिन प्यार व्यार का हो गया सब तेल लगाने का ये सब नकली मैं नहीं रह सकता बहुत अच्छा लगा टाइम नहीं था लेकिन जो टाइम दिया था उस पर टाइम से पहले हाँ
मैं ये है कि नहीं मैं लेट आता था सर क्या बोल रहे हो आप लेकिन आप बोल सकते हैं कोई तकलीफ नहीं मैं लेट आता हूँ गोविंदा का भांजा कोई बात नहीं ठीक है लेट आता और इसका तो ये होता भी था नहीं भी होता था कोई पता ही नहीं साइड पे कोई टेंशन नहीं अभी सच्चाई में बता रहा हूँ और तिवारी जी को सारे एक्टर्स ने टॉर्चर किया है ये मेरे सामने गालियां देते थे इनको बोलते भी थे कई बार मुझे इन्होंने सच में मेरे काम की कसम बोला हुआ चलो जो अपना सच बोल रहा हूँ और फट से पलट जाते थे मुकुल है माँ की आँख डेट का पंगा कर दिया ये वो ऐसा सामने से था अरे सर आइए कैसे हैं आइए सर अरे बढ़िया आपकी तो दाढ़ी भी बढ़िया लग रही है और मुकुल जी अनफ्रेश होते थे कभी कभी अरे सर बहुत हैंडसम लग रहे हो वो भी पता है मेरे बस करो यार बस करो रजनीश को भी कई गालियां दी इन्होंने एंड एंड में कुछ डेटों का पंगा हो गया था रजनीश ने बोला मैं डेट नहीं दूंगा अगले बहुत गालियां दी इन्होंने और आपने आप भी थे इनके साथ में मेरे फोन आया कि तुम लोग ये क्या है रजनीश का क्या लेना देना ये वो कोई डेट का पंगा कर रहा है साला ऐसा करके बोला था सामने आके कुछ नहीं अब खत्म हुआ है तो बहुत अच्छा बड़ा अच्छा फैमिली कोई परिवार वरिवार नहीं था हमारा टॉर्चर में हमने खत्म किए ये आदमी पागल आदमी है बस इसी पागलपन को देखने के लिए 13th जुलाई 2018 आप सबको जाना है सोचिए यहाँ पर इतना पागलपन हुआ है थिएटर में क्या होगा जब हम पूरी पिक्चर देखेंगे क्या बात है सर थैंक यू सो मच कपड़ा अभी भी देख कर लेना विजुअल अन्य कास्ट सिर्फ कास्ट सभी कास्ट अच्छा सारे सारे फिल्म में क्या बात अन्ना सोलो सोलो जागना है सोलो बोला सोलो कौन सोलो हो गया हम यहाँ पे आप मेहरा जी थैंक यू नमस्ते ठीक है ठीक है एक मिनट बच्चों की पार्टी चार बजे आ जा रहे बाबा अपू अभी सिर्फ चार जन चल नीचे जाते हैं आ जा मुकुल जी एक मिनट मुकुल जी थोड़ा इस साइड आ जाओ ना बस सर बस मुकुल जी यहाँ पे मुकुल जी यहाँ पे देखिए सर एक मिनट हाँ जी विनोद जी हो गया अपू हाँ जी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का चीज इधर ही सर इधर ही ओके अपू थैंक यू सर थैंक यू एक सोलो करते ना मैडम बस मैम रुकिया Thank you.
Please, what else you look at us, please? Thank you. Thank you.